बच्चों जैसे आप सभी को पता है साइंस सेकेंड ग्रेड का नया सिलेबस अपग्रेड होके आपके लिए आ गया है। तो इसमें बेटा फिजिक्स का हमारा जो पोर्शन है इसके बारे में मैं आपको पूरा समझाना चाहूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स फिजिक्स के अंदर हैं, किस तरह से बच्चों हमें उनकी तैयारी करनी है, वो सारी बातें बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो बिना देरी किए बच्चों देखिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं बेटा फिजिक्स के अंदर हमारे। बेटा पहला चैप्टर जो हमारे लिए है वो है फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ठीक है ना। अब इस फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में बेटा कौन कौन से टॉपिक्स हैं, फंडामेंटल एंड डेराइव यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस, एक्यूरेसी एंड एरर इन मेजरमेंट्स, ये टॉपिक्स हैं बच्चों। तो तैयारी करते समय बच्चों हमें बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक्स कोर्स में मेंशन है, ताकि हम उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। इनके बाहर हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। अगला चैप्टर वेक्टर्स है बेटा। वेक्टर्स में कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट वेक्टर, वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। काइनेमेटिक्स में देखिए बेटा मोशन इन वन डायमेंशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ये टॉपिक्स हैं आपके। अगला चैप्टर है बेटा लॉज ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में है, इंपल्स, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये टॉपिक्स पे बच्चों में सवाल करने हैं, इनको अच्छे से समझना है। अगला चैप्टर है बेटा हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर, इसमें हमें वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स के बारे में समझना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें समझना है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, पावर के बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है ना। और ये क्लासेस बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी, जो प्रेप ऑनलाइन टीम का चैनल है उस पर भी चल रही हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सेकेंड ग्रेड की तो वहां पर जाकर आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी, है ना। और देखिए बच्चों अगला चैप्टर आपका रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में कौन कौन से टॉपिक है बेटा, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोलिंग मोशन, ये सारे टॉपिक्स हैं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में बेटा ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, क्वांटिफाइंग फ्रिक्शनल फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ग्रेविटेशन में बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वेरिएशन ऑफ जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, प्लेनेटरी मोशन एंड केपलर्स लॉ, ये सारे टॉपिक्स बेटा ग्रेविटेशन के अंदर आपके आने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, टोरोजनल रिजिडिटी, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर, ये सारे टॉपिक्स आपके इलास्टिसिटी के अंदर है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर है। फ्लूइड डायनेमिक्स में बेटा देखिए टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, क्रिटिकल वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ के बारे में चर्चा होगी, ठीक है ना। अगला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, बेटा देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा, 12th एनसीईआरटी में मिलेंगे ये आपको टॉपिक्स, ठीक है, इजी टॉपिक्स हैं और क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बच्चों इन टॉपिक्स से, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में बेटा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लॉज, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज एंड मिरर्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन बाय प्रिज्म, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सभी के बारे में बेटा चर्चा होगी, ठीक है। तो ये सिलेबस है बच्चों, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कौन कौन से टॉपिक्स आपके कोर्स के अंदर हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके कोर्स के अंदर हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हम पढ़ाई तो बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये आइडिया नहीं लग पाता कि यार कौन से टॉपिक्स हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जरूर से चैप्टर को तैयार करते समय बेटा सबसे पहले आप सिलेबस देख लें कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके कोर्स के अंदर हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं अपन क्लासेस के अंदर।